मैं हूं रवि सिंह और आप देख रहे हैं हलचल ऑफ झारखंड। आज हम हजारीबाग के कटकमदाग अंचल के नजदीक सिरसी मौजा में मौजूद हैं, जहां हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय का बुलडोजर भू माफियाओं के ऊपर चला है। यह कोई नया मामला नहीं जहां भू माफियाओं के जमीन पे प्रशासन का बुलडोजर चला हो, लेकिन पूरा हजारीबाग इन दिनों भू माफियाओं के कब्जे में है। बीच बीच में प्रशासन एक्टिव होती है और अपना बुलडोजर चलाती है। देखिए क्या है मामला। हजारीबाग में इन दिनों भूमाफियाओं का आतंक कुछ इस कदर देखने को मिला है कि सरकारी जमीन को भी हड़पने में भी परहेज नहीं कर रहे हैं। आलम यह है कि प्रशासन को अब बुलडोजर लेकर कब्जा हुआ जमीन मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। ताजा मामला हजारीबाग कटम दाग अंचल गाँव के सिरसी गाँव का है, जहाँ लगभग 100 एकड़ जमीन भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था। अब इस जमीन को मुक्त कराना प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। आज प्रशासन अपना बुलडोजर लेकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए पहुंचा। कुछ देर तो बुलडोजर चला, लेकिन बाद में बुलडोजर की रफ्तार धीमी हो गई। अंततः टास्क अधूरा छोड़ पदाधिकारी बैरल लौट गए। हजारीबाग के कटक मदाक अंचलाधिकारियों ने राजस्व ग्राम सिरसी थाना नंबर 121 वार्ड नंबर 33 की खाता संख्या 251 प्लॉट नंबर 848 और 882 पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। बताया जा रहा है कि जिस जमीन को भूमाफियाओं ने कब्जा किया है, उसके पीछे सफेद पोश पदाधिकारी छोटे भैया नेता का हाथ है। देखिए, पूरे जिले में ही बहुत सारे हमारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे अतिक्रमण के इश्यूज हैं। नियमित रूप से काफ़ी मीडिया के माध्यम से, अन्य सोर्सेज से भी हम लोगों को जानकारी मिलती रहती है कि काफ़ी सारा जो सरकारी ज़मीन है या तालाब है, इस तरह के एनक्रोचमेंट्स। इसी क्रम में हम लोग अभी पूरे ज़िले में हम लोग एक एनक्रोचमेंट ड्राइव हम लोग अभी चला रहे हैं, और सिरसी में भी आज कुछ एनक्रोचमेंट ड्राइव चला है। कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें आना है, वहाँ पर एक महिला कॉलेज का निर्माण होना है, और अन्य भी हमारे जो सदर क्षेत्र में भी खास महल की बहुत सारी ज़मीन है जिस पर अतिक्रमण है, और तालाब है हमारे निगम क्षेत्र में जिस पर अतिक्रमण किया गया। तो हम लोग फेज्ड मैनर में एनक्रोचमेंट ड्राइव सभी चलाएंगे ताकि हम सभी सरकारी ज़मीन, हमारी सभी सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कर सकें। एक और सवाल है मैम, जब भी प्रशासन जमीन खाली कराने की कोशिश करता है तो ऊपर से फोन आ जाता है या फिर इलाके में ही विरोध का सामना करना पड़ता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रातः सूचना के अनुसार वरीय पदाधिकारी को किसी का फोन आया और उसके बाद रफ्तार धीमा हो गया। यही नहीं, स्थानीय लोगों ने भी जमकर उत्पात मचाया, बुलडोजर के सामने लेट भी गए। प्रशासन को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। जहां एक ओर स्थानीय महिलाओं का उत्पीड़न तो दूसरी ओर इस बात का है कि कहीं पथराव ना हो जाए। ऐसे में स्थिति को देखते हुए पदाधिकारियों ने भी कार्रवाई बंद कर दी और टास्क अधूरा ही रह गया। उक्त भूमि पर भूमाफियाओं ने 2006 से ही कब्जा करने का निरंतर होना चला आ रहा है। जमीन पर सरकार को महिला विश्वविद्यालय बनाना है। सरकार हजारीबाग जिला प्रशासन से जमीन की मांग कर रहा है और बेबस प्रशासन जमीन भी मुहैया नहीं करा पा रहा है। हजारीबाग उपायुक्त ने आदेश जारी किया है कि जमीन अतिक्रमण किया गया है, उस जमीन को बलपूर्वक खाली कराया जाए। ऐसे में सैकड़ों पुलिस कर्मी भी आज सिरसी मौजा में देखने को मिले। एक और अभी सत्र चल रहा है, ऐसे में सरकार भी नहीं चाहती है कि उसकी किरकिरी हो और सदन में हंगामा हो। अगर आज बुलडोजर चलता और हंगामा होता तो इसका असर सदन में भी दिखाई देता। इसे देखते हुए भी यह कार्रवाई आज अधूरी छोड़ दी गई है। बहरहाल इंतजार रहेगा उस दिन का जब प्रशासन अपने जमीन को मुक्त करा पाएगा। हजारीबाग से रवि सिंह की रिपोर्ट। जो सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण करके घर बाउंड्री वाउंड्री बनाया हुआ था, उसको हम लोगों ने हटा दिया है। लगभग कितना एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है? ये करीब 24-25 एकड़ ज़मीन है, जिसको पोल गाड़ करके, छोटा छोटा पोल गाड़ करके और हल्का फुल्का बाउंड्री करके किया था, जिसको हम लोगों ने उपायुक्त महोदया के आदेश के आलोक में हटाया है। आगे अगर